नमस्कार सभी को तिहत्तरवे गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू 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 ऑल स्टूडेंट्स नमस्कार एंड एंड वेलकम 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 द द क्लास सेशन माय चंदन रोशन आई यू बहुत स्वागत है प्रिया शाह वेरी गुड मॉर्निंग अरूप चैटर्जी निहाल शुक्ला

और सबों का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन अलका जी वेरी गुड मॉर्निंग हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर हु ट्रस्ट इन मी एंड वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री आज ऐप पे क्लास नहीं है बट यूट्यूब क्लासेस होंगी यूट्यूब सेशन होंगी बट देर इज नो क्लास ऑन द एप टूडे ठीक है आई होप कि आप सब लोग बेहतर होंगे बेहतरीन होंगे और आप सब लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी तो एक बार सभी लोग जो लोग सेशन के साथ जुड़ चुके हैं आ चुके हैं क्लास में एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दें एंड लेट्स स्टार्ट विद द विदूज क्लास लेट्स स्टार्ट विद द विदूज करेंट अफेयर सबसे पहले एग्जामपुर परिवार आप लोगों के लिए सेवेंटी रिपब्लिक डे को मना रहा है ठीक है ना और एग्जाम्पुर का बस एक ही लक्ष्य है कि एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करना और इस रिपब्लिक डे के इस अवसर पे जो एग्जाम्पुर परिवार है वो आपके लिए एक अनबिलेवेबल ऑफर लेकर के आया है जिसमें कि आप फ्लैट फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ जो है सभी कोर्सेज पे अवेल कर सकते हैं और ये ऑफर थर्टी जनवरी तक वैलिड है आपको अगर कोई भी कोर्स खरीदना है ऑनलाइन तो आपको उसके लिए भारत फोर्टी फाइव ये जो कोड है इसको अप्लाई करना होगा और आप एग्जाम्पुर के सभी कोर्सेज को परचेज कर सकते हो विद्लैट फोर्टी फाइव परसेंट डिस्काउंट ठीक है चलिए नमस्कार एवरी वन सो लेट स्टार्ट विद द रिवीजन सबसे पहले हम लोग कल के न्यूज को रिवाइज करेंगे जो हमारा ट्रेडिशन रहा है ट्रेंड रहा है और फिर हम लोग आज के रेट को डिस्कस करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आज का ये है इन विच स्टेट द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज सॉट टू गेट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग फॉर द लिविंग रूट ब्रिजेस किस राज्य में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जीवित जल पुलों के लिए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने की मांग की है मेघालय मिजोरम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश यह पूछा गया है थैंक यू ऋतुराज जी और आपको भी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई ढेर सारी शुभकामनाएं ये बताओ आप लोग ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्टेट में जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मांग की है कि वहां पे जो जीवित जल से पुलों का निर्माण किया जाता है उसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त हो सके और उसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जा सके ये बात कहाँ के लिए कही गई है ठीक है ना अब देखो ये कहानी कहाँ की है तब बताओगे मेघालय की और मैंने कल बताया था आपको कि मेघालय में जो खासी समुदाय है जो खासी कम्युनिटी के लोग हैं इनके द्वारा ये एक परंपरागत एक ट्रेडिशनल ब्रिज है जिसको ये लोग क्या करते हैं बनाते हैं स्ट्रीम्स के ऊपर धाराओं के ऊपर नदियों के ऊपर और इसमें जो सुपारी का पेड़ होता है जो आप कह सकते हो जो बीटल के जो पेड़ होते हैं ठीक है ना उस पेड़ों का खासकर उसके तनों का इस्तेमाल किया जाता है इन ब्रिज को बनाने के लिए और लोकली अगर हम कहे कि आ, वहां के स्थानीय भाषा में इन पुलों को क्या नाम दिया गया है तो आप क्या बताओगे इसको कहते हैं जिंग एंड जेरी जिंग जेरी इसको आपको ध्यान रखना है जिंग जेरी ये वहां के स्थानीय भाषा में इसको कहा जाता है बिल्कुल सही कहा जेरी वहां का नाम है और किस समुदाय के द्वारा तब बताओगे खासी समुदाय के द्वारा विच स्टेट हैज रिसेंटली रिलीज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट लेबल बर्ड इन इंडिया किस राज्य ने हाल ही में भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस जारी किया है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले कि हमारे यहाँ एक एक तरीके से इन्वायरमेंटल एटलस भी डिस्कस की गई है जिसमें कहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होगी ड्रॉड कहाँ पे होगा फेमाइन कहाँ पे आएगी उसके ऊपर उसी प्रकार से भारत के एक राज्य में आप कैसे तो बर्ड के प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन और फ्यूचर स्टडी को फ्यूचर स्टडी को बनाए रखने के लिए भविष्य में इन पक्षियों के ऊपर हम शोध कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके उसके लिए एक एटलस जारी किया गया है वो कौन सा राज्य है तो आप क्या बताओगे केरला कौन सा राज्य है तो आप क्या बताओगे केरला तो केरला वो स्टेट है जहां पे एक अनोखी पहल की गई है पक्षियों के संरक्षण के लिए और आपको बता दो इसमें खासकर ये टोटल जो बता दो कि 361 जो स्पीसीज ऑफ बर्ड है इसको लेकर के उनका कहाँ पे प्रवास होता है उनकी सबसे ज्यादा नेस्टिंग कहाँ पे होती है इन सभी चीजों का इसमें खास करके ध्यान रखा गया है इसको आपको ध्यान रखना है चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक स्वतंत्र संस्थान की मांग की है केंद्र सरकार से और वो क्या है इंडियन एनवायरमेंट सर्विसेज की इंडियन पुलिस सर्विसेज की इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की या इंडियन फॉरेन सर्विसेज की ठीक है ना तो क्या होगा इसका आंसर तो आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इंडिया के अंदर जो इनवायरमेंटल पॉलिसी है और जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस को रेगुलेट करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन है बट द थिंग इज दैट कि हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है हम उसको जो क्रियान्वयन करते हैं वो उसका स्ट्रक्चर बहुत सही नहीं है और इसको अच्छे तरीके से भारत के हर राज्य में हर स्तर पर इम्प्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांग की है कि उनके पास एक ऑटोनोमस और एक सेंट्रलाइज बॉडी होनी चाहिए किसके फॉर्म में तो आप बताओगे ऑल इंडिया सर्विसेज के फॉर्म में और आप मैंने आपको कल ही बताया था कि आर्टिकल 312 ठीक है ना एम्पावर्स ये किसको एम्पावर करता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो जो आर्टिकल 312 है ये एम्पावर करती है किस किस को तो आप बताओ कि राज्यसभा को टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज ठीक है ना तो आपको कहा, कहा गया है कि जो कमेटी थी 2018 में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की उन्होंने कहा था कि एक ऑल इंडिया एनवायरमेंट सर्विसेज क्रिएट होनी चाहिए तो किसकी मांग की गई है तो आप बताओगे ऑल इंडिया किस चीज की तो आप बताओगे एनवायरमेंट सर्विसेज की ऑल इंडिया एनवायरमेंट सर्विसेज की ठीक है ना इसको ध्यान रखना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह है आप लोगों से कि अभी विध साउथ अमेरिकन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड अ 90 डे ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी इन द डैमेज कोस्टल टेरिटरीज पूछा गया है किस दक्षिण अमेरिकी सरकार ने क्षतिग्रस्त तटीय क्षेत्रों में नब्बे दिनों के लिए पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है यह पूछा गया है कि विथ साउथ अमेरिकन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर नाइनटी डे मैंने कहा था कल आपको कि एक स्पेनिश मतलब स्पेन की एनर्जी कंपनी है जिनके जहाजों से बहुत सारा तेल रिसाव हु, 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 हुआ है इसको हम बोलते हैं ऑयल स्पिल ठीक है ना इस ऑयल स्पिल के कारण आपको पता है कि वहां की जो मेराइन लाइफ है उसको बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा है पेरू के तट पे और आपको बता सकता बता सकते हो कि जो पेरू की कैपिटल है लीमा ठीक है ना उससे लगभग तीस किलोमीटर की दूरी पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो कौन सा पोर्ट है और आपको ध्यान रखना है लगभग छे हजार बैरल कितना बिल्कुल सही कहा आप लोग लगभग छह हजार बैरल जो है ऑयल स्पिल हुई है यहां पे और मैं बता दूं कि पेरू की जो कैपिटल है लीमा वहां के आसपास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है पेरू का बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने अंकित कलाओ क्या बात है बेहतरीन कलाओ जो है वो जो पेरू की कैपिटल लीमा है उसके सबसे नियरेस्ट में सबसे महत्वपूर्ण और प्राइम पोर्ट है पेरू का जहां पे भी इसका डेंजर या खतरा जो है वो दिखाई दे रहा है इसीलिए 90 दिनों का वहां पे हम कह सकते हैं कि पर्यावरणीय आपातकाल जो है इसकी घोषणा की गई है अब यही क्वेश्चन मैंने कहा था ना आपको कि ये लोग क्या करेंगे इसको कनेक्ट कर देंगे आपके एग्जाम के साथ कि भाई एक बैरल में कितना लीटर होता है ठीक है ना पेरू की सबसे इंपॉर्टेंट चीप पोर्ट कौन सी है तो वहां पे हम लोग कैलाओ सकते हैं क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऐसे क्वेश्चंस को आपको रिलेट करना आना चाहिए तभी इसका मजा है ठीक ना और वहां पे जो एक इंपॉर्टेंट वेरी गुड नेहा वेरी गुड ठीक है ना जो रिफाइनरी है इस पेरू के आसपास में उसका नाम क्या है तो आप बताओगे लालिम्पिला बिल्कुल सही कहा आपने ला लालिम्पिला देखो यही तरीका होता है जो बच्चे रेगुलर आते हैं सेशन में जिनको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है करंट अफेयर्स में उनके जवाब वैसे ही यार है जैसे अंकित और नेहा सब अभी जवाब दे रहे हैं सवालों के क्या बात है यार मजा आ गया आप लोगों के डेडिकेशन को देख करके ब्रिलियंट और यही तरीका है मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक आप इंटरेस्ट पैदा नहीं करोगे जब तक आप कंटिन्यू नहीं रहोगे सेशन में तब तक आप सीख नहीं सकते करंट अफेयर्स करंट अफेयर रटा नहीं जा सकता वन लाइनर से आप नहीं पढ़ सकते करंट अफेयर्स को वेरी गुड बाय विच ईयर इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डबल द टाइगर पॉपुलेशन ये पूछा गया है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक बाघों की आबादी को दोगुना करने का निर्णय लिया था यह बताओ 2023, 2020, 2022 या 2024? तो अभी आपको बताया दिया जाए कि टाइगर के कंजर्वेशन के लिए इंडिया जो है वो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिलकर के आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ पॉलिसीज को डेवलप कर रही है और इंडिया का टारगेट था कि दो तक उन्हें टाइगर के पॉपुलेशन को क्या करनी है डबल करनी है और मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने चार साल पहले ही यानी कि टारगेट 2022 का था बट बाई 2018, 2028 तक 18 तक ही हम लोगों ने इंडिया में जो बाघ की जनसंख्या है उसको क्या कर दिया दोगुना कर दिया था और ये हम लोग अपने टारगेट में बहुत ज़्यादा अहेड थे और अभी जो इंडिया का फोकस है वो ये फोकस है कि हम लोग चीता इसके अलावा आप कह सकते हो लेपर्ड स्नो लेपर्ड इन इन सब के जो आबादी है इन सबका जो पॉपुलेशन है इसको भी दोगुनी करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं इसको आपको ध्यान रखना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों का यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये इसको ध्यान से देखिएगा कंसिडर दिथ रेफरेंस टू द लिथियम फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज कल ही हमने डिस्कस किया है कि जो लिथियम है इसकी पूरी वर्ल्ड वाइड में क्या हो गई है शॉर्टेज हो गई है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो यूसेज है वो लगातार बढ़ रही है और उस चक्कर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने के लिए जो बैटरी लिथियम ऑपरेटेड बैटरीज है इसकी डिमांड भी क्या है बढ़ रही है लेकिन उसके प्रोपोर्शन में ठीक है जो सप्लाई है वो बहुत कम है इसमें कहा गया है कि ब्राजील इज द वर्ल्ड बिगेस्ट सप्लायर विद प्रोडक्शन फ्रॉम हार्ड रॉक माइन्स और इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये दिखा लिखा गया है यहां पे पिल गंगूर जो पिल गंगूरा है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में विच इज ओन्ड बाय पिलबारा मिनरल्स इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस फोर लैक टू फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड टन ऑफ ज कॉन्ट्री कॉन्सेंट्रेट इन जून ट्वेंटी टू ये दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्राजील ब्राजील तो है ही नहीं यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा तो आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट सप्लायर है लिथियम का इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर क्या हो जाएगा ओनली टू ये ध्यान रखना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑन विच डे डू वी सेलिब्रेट द राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं और, के के है। और ध्यान रखना कि जो नोडल एजेंसी है जो इस इवेंट को जो इस गर्ल चाइल्ड डे को सेलिब्रेट करती है और अवेयर लोगों को अवेयर करती है आप कैसे तो राइट ऑफ द गर्ल चाइल्ड के बारे में

अलग अलग इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करती है और इस बार जो अमृत आजादी का अमृत महोत्सव है उसको ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इवेंट हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज किया गया और वो कौन सा था उमंग रंगोली उत्सव क्या बात है उमंग रंगोली उत्सव देखो कुछ बच्चे जो बिल्कुल इतना स्मार्टली आंसर कर रहे हैं ना कि वो लोग बिल्कुल न्यूज को पढ़ के आते हैं और यही तरीका होना चाहिए कि जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो आपके पास उस न्यूज की, की अच्छी पकड़ होनी चाहिए अदरवाइज सेशन में सिंपल आ जाना इज नॉट इंपॉर्टेंट क्या बात है इसको ध्यान रखता है और इसकी जो थीम है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ट्वेंटी की वो क्या रखी गई है माई वॉइस आवर कॉमन फीचर ठीक है ना क्या बात है विनय गौर माई वॉइस आवर कॉमन फीचर माई वॉइस आवर कॉमन फीचर और ये कब बनाते हैं ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जनवरी को नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए यहां पे कि विद स्टेट गवर्नमेंट हैव एन एग्रीमेंट टू बिल्ड अ डैम एट आदि बद्री इन है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर जिले के आदि बद्री में बांध बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है पंजाब एंड हरियाणा हरियाणा एंड हिमाचल उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान या हरियाणा एंड राजस्थान ने प्लीज गो फॉर द आंसर

जो 26 जनवरी और 15 अगस्त है उसमें से मैक्सिमम लोग इसको सो के गुजारते हैं ठीक है ना हमें लगता है कि ये हमारे लिए नेशनल हॉलीडे है और हम उस डे को जिस तरीके से आ, करना चाहिए हम वो नहीं कर पाते हैं ये एक, एक ये एक, है तो प्लीज ऑल ऑफ यू डू लाइक एंड शेयर द सेशन इसको ध्यान रखना है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइन्थ अगला सवाल ये है कि विच कंट्री है रिसेंटली पास द ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट टू रिपोर्ट केसेस ऑफ ऑनलाइन बुलिंग किस देश ने हाल ही में ऑनलाइन बुलिंग के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम को पारित किया है भारत ने फ्रांस ने ने फ्रांस जापान या ऑस्ट्रेलिया ने यह पूछा गया कि विच कंट्री हैज रिसेंटली पास द ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट टू रिपोर्ट केसेज ऑफ ऑनलाइन बुलिंग ये बताओ आप लोग और ये तो मुझे लगता है कि विश्व के हर देश में होना चाहिए क्योंकि ये नीड ऑफ द आर है ज रिसेंटली पास द ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट टू रिपोर्ट द केस ऑफ ऑनलाइन बुरी तो आप क्या बताओगे इट्स द ऑस्ट्रेलिया कौन सी हो जाएगी तो आप क्या बताओगे ऑस्ट्रेलिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह है हम लोगों का विच कंट्री हैजिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गेरखिनस इन द वर्ल्ड कौन सा देश दुनिया में खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गेरखिन इन द वर्ल्ड और ये क्या है आपको ध्यान रखना जो गेरखिन की हम बात कर रहे हैं ये क्या है थोड़ा तो सा नमकीन है खारापन है इसके अंदर ये सॉल्टी है कोकम्बर है जिसकी बात की जा रही है और इसका सबसे बड़ा एक्स, एक्सपोर्टर कौन सा है हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल जिन्होंने लेट से ज्वाइन किया है सेशन को मेरी तरफ से सभी लोगों को सेवेंटी थर्ड रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं तो आप क्या बताओगे इट्स द इंडिया यहां पे क्या हो जाएगा इंडिया अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज के न्यूज को टाइम फॉर द टूडेज न्यूज सो आर यू रेडी गाइज ऑल ऑफ यू तो एक बार सभी लोग आगे बढ़ने से पहले सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो जितने लोग लाइव हैं जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक करके और शेयर कर दीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स को सबसे पहला हम लोगों ने एक न्यूज को लगातार अभी फॉलो किया है जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो प्रॉब्लम हो रही है और इस प्रॉब्लम में जो अमेरिका और ब्रिटेन एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है रशिया के अगेंस्ट लॉबिंग करने का ताकि यूक्रेन को बचाया जा सके रशिया के अटैक से अब इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए जो नेटो है जिसको मैंने बताया था कि एक मिलिट्री अलायंस है इन्होंने अपने जहाजों को और लड़ाकू विमानों को भेजा है पूर्वी यूरोप में यूक्रेन संकट को समाप्त करने के लिए ठीक है ना तो आपको ध्यान रखना है कि यूक्रेन के ऊपर जो अभी तात्कालिक संकट आ रखा है जो यूक्रेन की क्राइसिस है जिसमें रशिया उनके जोरिस्टिक्शन में एंटर करके वहां के गवर्नमेंट को टपल डाउन करना चाहता है तो उसको उस यूक्रेन को बचाने के लिए उस यूक्रेन को संकट से बाहर निकालने के लिए जो मिलिट्री अलायंस नाटो है उत्तरी गोलार्थ की कंट्रीज की नदन हमेशा कंट्रीज की उन्होंने अपने शिप्स और जेट्स को क्या किया है ईस्टर्न यूरोप की बाउंड्री पे जाकर के भेजा है हालांकि मैं बता दूं कि रशिया इस बात से साफ इनकार कर रहा है कि उसका ऐसा कोई इरादा है कि वो यूक्रेन युक्रे, यूक्रेन को कहीं कही ना कहीं यूक्रेन की यूक्रेन की सत्ता को पूरी तरीके से खराब करना चाहता है ऐसा उसने साफ मना कर रखा है अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस मैप को थोड़ा समझने की जरूरत है ये बेलारूस है ये रशिया है ये रोमानिया है और ये वो क्रीमियन पेनिनसुला है जिसको लेकर के सबसे ज्यादा विवाद हुआ था 2013 से स्टार्ट हुआ 2014 में रशिया ने ये जो पूरा क्रीमियन पेनिनसुला है ये जो पूरा क्षेत्र है इसको यूक्रेन से क्या किया था कैप्चर कर लिया था जिसके बाद जो रशिया है उसको G8 जो ग्रुप थी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और जो सेवन डेवलप्ड नेशंस थे उन्होंने रशिया को जी से बाहर कर दिया और फिर वो जी बन गया ठीक है ना अब आपको बता दू मैं यहां यूक्रेन की कैपिटल है की और ये यहाँ पे क्रीमियन पेन्सुल इसको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से यही सब चीजें आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हिट करेगी ठीक है ना इसको ध्यान रखना है अब देखो नैटो एलाइज है पुट द फोर्सेज ऑन स्टैंड बाय एंड सेंड दिप्स एंड फाइटर जेट्स टू बोस्टर यूरोप ईस्टर्न डिफेंसिस टेंशन सोर ओवर द रशियाज मिलिट्री बिल्डअप अराउंड द यूक्रेन तो यूक्रेन के आसपास रूस का जो सैन्य गतिविधि है उसकी खलबली होने के कारण से जो यूक्रेन की सीमाएं वहां पे तनाव बढ़ गया और इसको निपटने के लिए जो नाटो सहयोगी राष्ट्र हैं उन्होंने अपने सोल्जर्स को अपने जो सैनिकों है उसको क्या है बिल्कुल तैनात रखा है स्टैंड बाय पर रखा है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो रशिया के खिलाफ इन सभी नाटो अलायसेज की कंट्री जो है इनके फोर्सेस वहां पर कूच कर जाएंगे ठीक है ना लेकिन फिर भी पूर्वी यूरोप की रक्षा को मजबूत करने के लिए नाटो के जो आ, सहयोगी देश है जो नाटो के मेंबर नेशन है उन्होंने अपनी जहाज और फाइटर जेट्स को क्या किया है वहां पे तैनात करा दिया है और आपको बता दूं मैं कि टेंशन एव सोअर्ड ओवर रशिया डिप्लॉयमेंट ऑफ सम वन लैख ट्रूप्स एंड हैवी आर्मर एट इट्स नेबर्स बॉर्डर और टेंशन तब बढ़ गया ठीक है ना जब रूस ने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन की सीमाओं पर लगभग एक लाख सैनिकों और भारी हथियारों की तैनाती को क्या किया बढ़ा दिया हालांकि जो क्रेमलिन गवर्नमेंट है जो रशिया की सरकार है उनका यह कहना है कि उन्होंने ये जो एक लाख सैनिकों को तैनात किया है वो इसलिए तैनात किया है क्योंकि जो पैसिफिक ओशन है जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है खासकर जो बाल्टिक सी है नॉट पैसिफिक ओशन जो बाल्टिक सी है जहां पे ये यूक्रेन की सीमाएं लग रही हैं उन्होंने ये कहा है कि उस बाल्टिक सी में अमेरिका ने कुछ एक्सरसाइजेस किए हैं तो उन्होंने भी अपने सैनिकों को वहां भेजा था तो रशिया का ये कहना है कि हम उस ऑपरेशन के जवाब में अपने सैनिक सैनिकों का प्रदर्शन करना चाहते हैं ताकि विश्व को यह न लगे कि रशिया कमजोर है तो रशिया की अपनी अलग दलील है हालांकि रियलिटी यह है कि रशिया चाहता है कि यूक्रेन को वो कैप्चर कर सके ठीक है ना तो जब रशिया ने लगभग वन लाख सोल्जर्स को पूरे शक्ति के साथ तैनात किया यूक्रेन की सीमाओं पर तब जाकर के चिंताएं बढ़ी और फिर नाटो देशों ने डिसाइड किया कि हम भी अपने सैनिकों को अपने एयर एर, फाइटर प्लेन को और शिप्स को क्या करेंगे ईस्टर्न यूरोपियन बॉर्डर पर तैनात करेंगे ताकि यूक्रेन के साथ होने वाला जो दुर्व्यवहार है रशिया के द्वारा उसको रोका जा सके ठीक है ना तो ये कहना है नाटो देशों का और ये कहना है रशिया का रशिया सिंपल ये कह रहा है कि वो भी अपनी सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के लिए सारी कुछ सारी चीजें कर रहा है यहां पे अमेरिका ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया हैव ऑर्डर्ड द डिप्लोमेट्स फैमिलीज टू लीव द व्हाइल फ्रांस टोल्ड की ट्रेवल टू यूक्रेन अब ये जो संकट पैदा हो गया रशिया और यूक्रेन के बीच में उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने खासकर जो यूक्रेन की राजधानी कीव में रहने वाले जो बड़े बड़े डिप्लोमेट्स हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो वहां के राजनेताएं हैं उनके परिवारों को जल्द से जल्द कीव छोड़ने के लिए आग्रह किया कि आप लोग कीव से बाहर आ जाइए आप हमारे कंट्रीज में आके रखिए और साथ ही साथ फ्रांस ने भी अपने नागरिकों को यह सलाह दी है कि आप यानी कि बिना किसी काम किया जब तक जरूरत ना हो तब तक आप यूक्रेन ना जाएं क्योंकि वहां पे संकट अभी आने वाले समय में और भी गहराएगा जो क्रेमलिन है यानी कि जो रशियन गवर्नमेंट है उन्होंने इस बात का आरोप लगाया है ऑन द अलायंस ऑफ द रैंपिंग ऑफ टेंशन थ्रू इंफॉर्मेशन हिस्टीरिया एंड कॉन्क्रीट एक्शन एडिंग दैट रिस्क ऑफ एन ऑफेंसिव बाईक उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई है कि ये जो पूरे विश्व में एक माहौल बनाया जा रहा है रशिया के खिलाफ खासकर जिसमें अमेरिका ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल है और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि रशिया जानबूझ करके यूक्रेन के अंदर घुसपैठ करना चाह रहा है यूक्रेन की सत्ता को गिराना चाह रहा है ऐसा कुछ नहीं रशिया ने यह कहा है कि कुछ जो अलगाववादी समर्थक हैं ठीक है ना वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं रूमर्स कर रहे हैं और उसका खामियाजा रशिया को भुगतना पड़ रहा है और कुछ बात नहीं है लातविया ने भी उधर आ, अपने नागरिकों को इस बात की चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन में ट्रेवल ना करें ठीक है ना जब तक कोई नेसेसिटी ना हो और लिथुआनिया के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने ये कहा है द वेस्ट मस्ट मेक सेंशन फॉर रशिया साथ ही साथ जो यूरोपियन कंट्री लिथुआनिया है उसके जो विदेश मंत्री उन्होंने अपने हवाले से एक नोट जारी करते हुए कहा वेस्टर्न कंट्रीज है उनको एक साथ मिलकर के देखे ना रूस के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए यह मानना है लिथुआनिया का तो अब एक चीज तो क्लियर है मैं आपको बता दूं बहुत क्लियर कट कि इसमें फंसेगा इंडिया इंडिया बहुत अच्छा मित्र है रशिया का रशिया बहुत अच्छा मित्र है भारत का ठीक है ना और जो की क्वार थी बात बनाई गई थी इसमें इंडिया है, है, अमेरिका है, है तो खिलाफ तो करके, करके आ रहे हैं अब सबसे बड़ा जो तो टेस्टिंग टाइम है वो दो कंट्रीज के लिए है वर्ल्ड में एक इंडिया के लिए और एक जापान के लिए कि क्या वो रशिया के साथ खड़े होते हैं क्या वो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़े होते हैं तो अब एक बड़ा कश्मोक की स्थिति है भारत और जापान दोनों के लिए अब देखना है ऐसे समय में हमारा क्या स्टैंड होता है रशिया के लिए वो तो वक्त ही बताएगा लेकिन यह बात तय है कि रशिया यूक्रेन के अंदर घुसपैठ करना चाह रहा है इसमें कोई दोराई नहीं है क्या ये न्यूज क्लियर हुआ आप लोगों को एक बार सभी लोग रिप्लाई करें रिस्पॉन्ड करें आज बहुत कम बच्चे हैं भाई सेशन में मुझे पता नहीं क्यों लेकिन एक बार प्लीज आप लोग अपने एंड सेशन को जितने लोग लाइव हैं कम से कम उतने लोग तो इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि चाइना हैज लार्जेस्ट इनकर्जन ऑफ वॉर द ताइवान डिफेंस जोन अब देखो अब इधर जब रशिया यूक्रेन के सीमाओं पर अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है उसको काउंटर करने के लिए नेटो के फोर्सेस आ रहे हैं दूसरी तरफ चाइना जो कि क्लेम करता है कि ताइवान उसका इंटीग्रल पार्ट है ंगकॉन्ग जैसे कंट्रीज तो उसके इंटीग्रल पार्ट हैं चाइना तो तिब्बत को भी अपना इंटीग्रल पार्ट ही मानता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाइना तो ये भी कहता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के वो भी उनका इंटरनल ही पार्ट है तो चाइना का भी एक अलग ही ट्रिप है लेकिन उस ट्रिप को ध्यान में रखते हुए चाइना ने जो है अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना है जो ताइवान का एयर डिफेंस जोन है जो उनका कोर डिफेंस जोन है उसके आसपास बहुत सारे वॉर प्लेन्स भेजे हैं ठीक है ना चाइना ने कहा है कि यह हमारा रेगुलर एक्सरसाइज है ठीक है ना जो हम कंडक्ट करते रहते हैं इसके पीछे कोई आ, गलत इंटेंशन नहीं है लेकिन रियलिटी ये है कि चाइना ताइवान को यह दिखाना चाहता है कि यदि तुम हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमारे पॉलिसीज को अबॉइड नहीं करोगे यदि आप उसके साथ नहीं चलोगे तो हम आप पे कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं मतलब सब सबको डरा रहा है मतलब कहानी वही है जिसकी लाठी उसकी भैंस तो ये कॉन्सेप्ट अभी पूरे वर्ल्ड में चल रही है और उसी में एक और भी न्यूज आपको बता रहा हूं अभी कि चाइना ने एक बहुत सारा फ्लीट ऑफ हम कह सकते हैं एयरक्राफ्ट भेजी, है, फाइटर भेजी है, ताइवा, ताइवान का जो है ये इसकी कैपिटल है ताइपे ये ताइवान एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है ये ध्यान रखना है ये ताइवान का एयर डिफेंस जोन है, ये जो पूरा एरिया बनाया गया है यहां सारा एरिया ये ताइवान का एयर डिफेंस जोन है और इसके आसपास जहां पे चाइना की टेरिटरी लग रही है इन्होंने लगातार बहुत सारे प्लेन्स भेजे हैं और यह केवल इसलिए ताकि ताइवान को इस बात का डर हो कि अगर वो चाइना की बात को नहीं मानेगा यदि वो इंटरनेशनल लेवल पे चाइना के अगेंस्ट जाता है ठीक है ना अपनी आजादी प्राप्त करने के लिए अपने आप को बाहर निकालने के लिए चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन से तो उसका भी अंजाम बुरा हो सकता है ठीक है ना तो चाइना की जो एयरफोर्स है उन्होंने 52 एयरक्राफ्ट भेजे हैं ताइवान की ओर रिस्पांस तो आपको बता दूं मैं कि चीन का जो एयरफोर्स है उसने ताइवान की सीमा की ओर लगभग बावन जहाज यानी कि बावन एयरक्राफ्ट भेजे हैं ठीक है ना जिसके जवाब में जेट विमानों को हाथापाई करने के लिए प्रेरित किया गया मतलब यह कहा गया है कि यदि ताइवान की तरफ से कुछ भी होता है तो आप उसका जवाब दे सको तो यह सब क्या है इनकर्जनी है चाइना ने पीच पास्ट में भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट भेजे थे ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में बट शॉर्ट ऑफ एंटरिंग एयर स्पेस मतलब इससे पहले भी जब अभी तो 52 एयरक्राफ्ट भेजे हैं और इन 52 एयरक्राफ्ट्स के भेजने से कुछ समय पहले चाइना ने ये जो पूर्वी ताइवान का हिस्सा है वहां पहले भी कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट भेजे थे लेकिन वो ताइवान के एयर स्पेस का जो एक्सक्लूसिव जोन है उससे थोड़ा बाहर रखा था और ये कही कहीं ना कहीं एक अपने बल का प्रदर्शन था चाइना का जो कि इंकित कर रहा था सिग्नल कर रहा था ऑफ विद द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और मिलिट्री एक्सरसाइजेस और ये बार बार चीन संकेत दे रहा है ताइवान को इन एयरक्राफ्ट्स को भेज करके अपने सैन्य शक्ति के प्रदर्शन को दिखा करके अपने वायु शक्ति के प्रदर्शन को दिखा करके कि आप चाइना के साथ रहें चाइना से अलग होने की कोशिश ना करें इसका अंजाम बुरा हो सकता है अक्टूबर लास्ट ईयर अगर पिछले साल की अक्टूबर की बात करें इट्स सो एन

कि भाई चीन का मकसद यह नहीं है कि ताइवान को डराना उन्होंने कहा सारे एयरक्राफ्ट इसलिए भेजे गए हैं क्योंकि अभी हाल ही में जो पैसिफिक ओशन का एरिया है वहां पे अमेरिका और जापान ने मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किए हैं उन्होंने अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है और इसी अमेरिका और जापान को चाइना जवाब देना चाह रहा है अपने सैन्य शक्तियों के द्वारा लेकिन आप इसको मिसअंडरस्टूड ना करें अब देखो कही न कहीं ना कहीं डिफेंड तो आपको करना पड़ेगा अब जहां पे आपने अभी 52 एयरक्राफ्ट भेजे चीन ने अक्टूबर 2021 में 58 एयरक्राफ्ट भेजे थे तो चाइनीज मीडिया को कहीं ना कहीं सामने आकर के इस बात की दलील देनी पड़ती अपने देश को बचाना पड़ता तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है चाइना का इरादा या चीन का इरादा ताइवान को डराना नहीं है उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना नहीं है ये जो एयरक्राफ्ट इंट्रूजन हुआ है ये जो एरियल इंट्रूजन हुए हैं एयर डिफेंस जोन में इसके पीछे सिंपल एक महज है क्योंकि अमेरिका और जापान के जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट किए गए हैं उसके जवाब में चीन भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और कोई बात नहीं है अगर लास्ट ईयर की बात की जाए दो इंट्रूजन द चाइनाज नेशनल डे ऑन अक्टूबर वन एंड अहेड ऑफ द डबल टेन नेशनल डे सेलिब्रेटेड इन ताइवान ऑन अक्टूबर टेन अगर पिछले साल की बात की जाए तो इसमें यह कहा गया है कि पिछले साल जो अक्टूबर महीने की बात चल रही है दो हजार इक्कीस में फिफ्टी एट एयरक्राफ्ट गए थे वो इसलिए गए थे कि उस दिन चाइना जो है अपने राष्ट्रीय दिवस को मना रहा था उस सेलिब्रेशन को कर रहा था इसलिए उस सीमाओं में आपको जहाज दिखाई दी अदरवाइज ऐसी कोई मनसा नहीं है चीन की ताइवान को डराने की यह बात चाइना का मीडिया कह रहा है यह बात ध्यान रखना है चाइना सी ताइवान एज इट्स प्रोविंस चीन ताइवान को अपने प्रांत के रूप में देखता है ऑल दो बोध है एंड ऑफ दिविल वॉर इन फोर्टी नाइन इसके बावजूद कि चीन और ताइवान इन दोनों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है और इन पे अलग अलग शासन किया जा रहा है लेकिन फिर भी चीन जो है वो ताइवान को अपने इंटीग्रल पार्ट के रूप में देखता है उसको अपने प्रोविंस के रूप में देखता है तो ये तो अलग बात है ना अब कल के डेट में हम अगर भारतीय हैं और हम ये कहें कि भूटान हमारा इंटीग्रल पार्ट है नेपाल को हम अपना प्रांत मानते हैं ठीक है ना पाकिस्तान को अपना प्रांत मानते हैं अफगानिस्तान को अपना प्रांत मानते हैं तो फिर तो फिर हमें भी शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा लेकिन हम तो बुद्ध को मानने वाले देश हैं कि जब तक हमारे नाक तक बात नहीं आ जाएगी जब तक हमारे खुद पर बात नहीं आएगी तब तक हम हथियार उठाएंगे नहीं लेकिन चाइना जिस हिसाब से कर रहा है गलत तो कर रहा है मैं रशिया को भी गलत मानता हूं यूक्रेन के केस में और चाइना तो खैर गलत है ही क्योंकि वो तो वो उसका तो बस एक ही भूख है कि सारी जमीन जो है वो सब उसकी हो जाए लेकिन ऐसा हम होने देंगे नहीं क्योंकि तो उनको पता नहीं है कि हम भी उनके बीच में खड़े हैं और अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस बार उन्नीस का भारत नहीं है ये दो का भारत है हम ईद का जवाब पत्थर से देंगे और हम तैयार हैं सजग हैं और आज रिपब्लिक डे के परेड में जो टेबलोज दिखाई जाएगी जो झांकियां दिखाई जाएगी उसमें भारत अपने आधुनिक उपकरणों का भी एक कहीं ना कहीं प्रदर्शन करेगा विश्व के सामने कि देखो हम वही भारत हैं जिसको तुमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से मना किया था हम वही भारत है ना हम वही भारत है इन सभी ऑर्ड्स के बाद हमने अपने आप को पूरी तरीके से सशक्त बनाया है और आज हम फिर से उठ खड़े हुए और सबसे बड़ा जवाब तो भारत ने तब दिया जब दो में मॉस्को में एक आप कह सकते हो कि एयर डिफेंस मतलब सॉरी डिफेंस इक्विपमेंट शो हुआ था और भारत ने अपने 11 ऐसे इंडिजेनस आप कह सकते हो डिफेंस इक्विपमेंट्स को उस पर्टिकुलर शो में रखा जो हम जिसको जिसको हम एक्सपोर्ट करके बेचना चाह रहे हैं तो ये अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी uh, उपलब्धि है कि पिछले 30 सालों के अंदर भारत ने अपना एक स्टैंड बाई लिया है इंटरनेशनल मार्केट में और डिफेंस इक्विपमेंट्स को हमने खुद के तकनीकों में विकसित करके और विश्व के लिए हम लोगों ने काम किया है तो इट्स अ ग्रेट थिंग अनडेडली चलिए अब एक और क्राइसिस चल रही है जब इतनी दुख भरी समाचार हम लोग पढ़ रहे हैं तो अब एक और दुख भरी चीज सुनो द हिंदू ने कवर किया है कि जो फासो फासो है फासो जो कि आप कह सकते हो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा कंट्री है वहां पे भी आर्मी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए हैं और वहां पे तख्ता पलट कर दिया गया है वहां के सर्विंग राष्ट्रपति का ठीक है ना इसको आपको ध्यान रखना है तो अब एक बार देखो ये अफ्रीका का वेस्ट कोस्ट है मॉडिटेनिया है ये सेनेगल है ये गिनी है ये सियरा लियोन है ये लाइबेरिया है ठीक है ना ये आपको और यहां पे ये आपका क्या है फासो है और इसकी कैपिटल क्या है ओगाडोगो इसका कैपिटल क्या है ओगाडोगो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बर्किना फासो तो आपको ध्यान रखना है ओगाडोगो तो बर्किना फासो की जो मिलिट्री है उन्होंने घोषणा की है कि इन्होंने वहां के सर्विंग प्रेसिडेंट जिनका नाम क्या है रोच मार्क काबोरे उनको उनके पद से हटा दिया है सस्पेंड कर दिया है और वहां का जो संविधान है उसको डिसॉल्व कर दिया गया है वहां की जो सरकार है वहां की जो संसद है उसको भंग कर दी गई है और जो बरकीना फासो की मिलिट्री है उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि उस देश में उन्होंने क्या कर दिया है तख्ता पलट तो आपको अगर पूछा जाए कि हाल ही में किस देश के सैनिक ने या किस देश की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ने उस देश में सरकार का तख्ता पलट किया है तो आप क्या बताओगे बर्किना फासो को ठीक है ना यह स्टेटमेंट कंफर्म किया गया है कि फॉलोड हेवी गन फायर एट द मिलिट्री बैरक्स इन द कंट्री एंड एट द कैबरेज रेसिडेंस इन द दैपिटल ओगाडु और इस बात की पुष्टि भी की गई है वहां के आर्मी चीफ के द्वारा बर्किना फासो के तख्ता पलट पूरी तरीके से सफल रहा और उसके बाद जो सैन्य बैरकों हैं और सैनिक सैनिकों के जो बैरक्स हैं और जो ओगाडोगो राजधानी है बुर्किना फासो की उसमें भारी गोलीबारी भी यानी कि उन लोगों ने इसको सेलिब्रेट भी किया है और ऐसा नहीं है इसके पीछे एक सिंपल रीजन ये है कि बहुत सारे लोग का जो विश्वास था आप कह सकते तो बुर्किना फासो की सरकार में वो समाप्त हो चुकी थी ठीक है ना वहां के जो राष्ट्रपति हैं कैबोरो साहब काबोरो साहब उनको उनको लेकर के लोगों के बीच में बहुत सारा गुस्सा था ठीक है ना क्योंकि उनके कार्यकाल में बहुत सारे जो जिहादी ग्रुप्स हैं उनका लगातार अटैक हो रहा था बुरकीना फासो में ठीक है ना जिसमें कि अभी हाल ही में 48 मिलिट्री पुलिस ऑफिसर्स जो हैं और चार सिविलियंस जो है मारे गए थे पिछले साल नवंबर में उसने इस प्रोटेस्ट को और आग दी ठीक है ना और इस मूवमेंट को आगे लेकर के चला गया इसको आपको ध्यान रखना है तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बुरकीना फासो में अभी जो पोलिटिकल क्राइसिस हुई है जिसमें वहां की मिलिट्री ने वहां के सत्तारूढ़ जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम है काबोरे

जो आ, वहां के सैनिक है बरकीना फासो की उनके बीच में इस बात का गुस्सा था और वो गुस्सा ही यहां फूटा है और जो आप कह सकते हो बरकीना फासो की सरकार है उसको क्या किया गया है गिरा दिया गया है एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू एनी क्वेश्चन एनी डाउट प्लीज रिप्लाई टू मी प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी जितने बच्चे लाइव हैं प्लीज एक बार मुझे रिप्लाई करें आर यू ऑल एंड द सेशन मजा आ रहा है क्लास में जितने बच्चे लाइव है प्लीज रिप्लाई कीजिए मुझे ऑल ऑफ यू प्लीज डू रिप्लाई टू मी

तो असम वैभव अवार्ड की बात करते हैं असम वैभव सम्मान की तो असम के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी साहब उन्होंने जो असम राज्य की तीन सबसे सर्वोच्च सिविलियन सम्मान है उनको उससे नवाजा है उन्नीस बहुत ही विशिष्ट व्यक्तियों को तो आप कह सकते हो असम के राज्यपाल अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि असम के राज्यपाल है तो बताओ जगदीश मुखी ने विभिन्न क्षेत्रों में उन्नीस विशिष्ट व्यक्तियों के को असम राज्य के तीन सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से क्या किया है सम्मानित किया है जैसे हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है तो आप बताओ कि भारत रत्न है फिर पद्म विभूषण है फिर पद्म भूषण है और फिर पद्मश्री है उसी प्रकार जो असम राज्य है वो भी हर साल बेसिकली एक अवार्ड की घोषणा करती है जो कि उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम रखा गया है असम वैभव अवार्ड तो जो जगदीश मुखी गवर्नर साहब हैं उन्होंने इस असम वैभव अवार्ड को दिया है उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन जिनका नाम है रतन टाटा तो जगदीश मुखी जो राज्यपाल है असम के उन्होंने उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है तो आपके लिए क्वेश्चन ये बन जाएगा कि हु हैज द असम वैभव अवार्ड फॉर 2022 तो यू विल से द असम वैभव अवार्ड फॉर 2022 हैज बीन प्रेजेंटेड टू द चेयरमैन ऑफ द टाटा सन्स रतन टाटा और उसके अलावा एक है असम सौरभ अवार्ड्स ये दिया गया है डमिशियन एंड प्रोफेसर कमलेंदु देव करूरी को डॉक्टर लक्ष्मण ऑफ पब्लिक सर्विसना बोर्गेन फॉर द स्पोर्ट्स नील पवन बरुआ इन द आर्ट एंड कल्चर तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के नाम है जिसका आपको ध्यान रखना है जिनको की असम सरकार की जो सिविलियन अवार्ड है उसे सम्मानित है खासकर ध्यान रखना है असम वैभव अवार्ड जो हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम सरकार की वो मिल दिया गया रतन टाटा को फिर असम सौरभ अवार्ड जो है वो दिया गया है किसको तो आप बताओगे प्रमुख शिक्षाविद और प्रोफेसर कमलेंदु देव क्रोरी को लोक सेवा के क्षेत्र में डॉक्टर लक्ष्मण एस को व्यवसाय प्रबंधन के लिए प्रोफेसर दीपक चंद्र जैन को और खेल के लिए लवलीना बोरगोहेन को और साथ में कला और संस्कृति में ये सम्मान दिया गया है नील पवन बरुआ को तो ये सारे नाम आपके लिए क्या हो जाएंगे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और जो असम वैभव अवार्ड है इट कैरीज अ साइटेशन अ मेडल एंड अ कैश अमाउंट ऑफ रुपीज फाइव लैख असम सौरभ एंड असम गौरव इट कैरीज अ साइटेशन अ अ मेडल एंड कैश कैश अमाउंट ऑफ फोर एंड थ्री जो तीन सिविलियन अवार्ड दी जाती है असम सरकार की तरफ कौन कौन सी हो जाएगी असम वैभव है असम सौरभ है और असम गौरव है इनकी कैश प्राइस ध्यान रखना है जो असम वैभव है उसमें पांच लाख असम सौरभ के लिए चार लाख और असम गौरव के लिए तीन लाख इसमें आपको एक पदक दी जाती है ठीक है ना एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इसको हम साइटेशन कहते हैं ठीक है ना और एक नगद राशि दी जाती है तो असम की जो तीन सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है असम वैभव असम सौरभ और असम गौरव है जिसमें आपको एक मेडल एक प्रशस्ति पत्र और साथ में आपको नगद राशि दी जाती है इस बात को आपको ध्यान रखना है एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दू मैं आप लोगों की एग्जाम्पुल इस सेवेंटी रिपब्लिक डे के अवसर पर आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही अनबिलीवेबल ऑफर लेकर के आए जिसमें आप सभी पेड कोर्सेज पे एग्जाम्पुल के सभी पेड कोर्सेज पे आप फ्लैट फोर्टी फाइव परसेंट डिस्काउंट अवेल कर सकते हो बाई यूजिंग द कोड भारत फोर्टी फाइव और ये जो ऑफर है ये वैलिड है आप सबों के लिए टिल थर्टी एथ ऑफ जनवरी ये ध्यान रखना है तीस जनवरी तक ये ऑफर आप सबों के लिए वैलिड है और जो बच्चे सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीडीएस वन ट्वेंटी डेज का एक मास्टर कोर्स लॉन्च किया है फोर्थ ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू से आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो विथ ऑफर प्राइस ऑफ नाइनटीन नाइनटी नाइन और इसमें भी आपको फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ मिल जाएगा जब आप भारत फोर्टी फाइव कोड को यूज करोगे और फिर इसके साथ साथ आपके लिए सी डी एस ओटीएन ट्वेंटी का भी एक 90 डेज का मास्टर कोर्स है इसमें डेली लाइव क्लासेस पीडीएफ नोटिक वाइज कंट्री और जिसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑफर प्राइस है मात्र फोर्टीन नाइनटी नाइन ये ध्यान रखना है और ये वो सभी स्केड्यूल्स हैं हमारे यूट्यूब सेशन की जो हम लोग अपने एग्जाम्प्रेड जो एग्जाम्पल का एग्जाम डिफेंस एग्जाम्प्रेप चैनल है उस पर लेकर के आते हैं इसमें ध्यान रखना है सुबह के तीन सेशन कॉमन है एफकेट और सीडीएस दोनों के लिए मॉर्निंग सेवन यू हैव नितिन सर मंडे टू सैटरडे करंट अफेयर्स विध मी फिर सुबह नौ बजे इंग्लिश नितिन सर शाम को छह बजे एफकेट के लिए साइंस एंड टेक जुबैट सर फिर शाम सात बजे मैथमेटिक्स विद दीपेंद्र सर रात आठ बजे रीजनिंग विध सोनल मैम और फिर रात नौ बजे मैं आपके लिए करंट स्टैटिक जी के लेके आता हूँ वहीं पर अगर हम बात करते हैं सी डी की उसमें आपको अगर प्रैक्टिस करना है यूट्यूब पे तो सुबह दस बजे दीपेंद्र सर विथ मैथमेटिक्स जोग्रफी सुबह ग्यारह बजे दोपहर बारह बजे साइंस एंड टेक विद जुबे सर ठीक है ना शाम तीन बजे पॉलिटी विद ज्ञान सर और शाम चार बजे हिस्ट्री विद अभिषेक सर इस पूरे स्केड्यूल को आपको ध्यान रखना है चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भारत सरकार ने यह बात डिसाइड किया है कि वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है उसको प्रमोट करेंगे कहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में ठीक है ना बड़ा ही अनोखा आप कह सकते हो इनिशिएटिव है जो भारत सरकार लेकर के आना चाह रही है इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्टिविटी को एनहैंस करने के लिए और इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको पता है कि जहां तक हम बात करते हैं इंडिया के एग्रीकल्चर की ठीक है ना तो अगर हम इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चर का एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आज भी भारत में कृषि की जो उत्पादकता है वो कहीं ना कहीं लार्जली डिपेंडेंट है किसके ऊपर नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर दैट इज द रेनफॉल क्योंकि इंडिया में कहीं ना कहीं जो इरिगेशन फैसिलिटीज है उतनी स्ट्रेंथेड नहीं है उतना ज्यादा आप कह सकते हो कि डेवलप्ड uh, नहीं है कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए बिल्कुल एश्योर हो सके तो भारत सरकार ने एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला है वो है कि इन अ मेजर बूस्ट टू प्रमोट प्रिसीजन फार्मिंग आपको पता है सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग किसी को कुछ पता है इसके बारे में अब ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि यहां पे अगर केवल हम ये लिख दें कि precision है तो precision का मतलब क्या होता है ठीक है ना फार्मिंग का मतलब क्या हुआ तो फार्मिंग का सिंपल मतलब ये होता है ठीक है ना कि ये आप कह सकते हो कि जिस किसी भी क्षेत्र में हम इस टेक्नोलॉ फार्मिंग को प्रैक्टिस करेंगे इसका मतलब यह है कि हम टेक्नोलॉजी क्या है टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जब उस क्षेत्र का सर्वे किया जाता है वहां के क्लाइमेट का वहां के सॉइल हेल्थ का ठीक है ना वहां के वहां के 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 क्रॉपिंग पैटर्न का उस पर्टिकुलर में किस तरह क्रॉप क्रॉप इंटेंसिटी को हम बढ़ा सकते हैं तो हम सिंपल कह सकते हैं कि जो परंपरागत तरीका है जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है उसको छोड़ करके जब हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए

जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है इसके अलावा जो कृषि विज्ञान केंद्र है भारत सरकार के जिनको की शुरुआती दौर में ट्रायल करने के लिए कहा गया है कि आप भारत के कृषि क्षेत्रों में जाए गांव गांव जाए वहां पे जाकर के जो अलग अलग क्षेत्र हैं भारत में जहां पे एक लार्ज लेवल पे खेती की जाती है वहां पे जाके पता लगाइए कि हम क्या टेक्निक अपना सकते हैं ठीक है ना जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहेंस किया जा सके तो इसको हम कहेंगे प्रिसीजन फार्मिंग तो अब इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है तो उस एक्सपेरिमेंट को सफल बनाने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उन्होंने एक गाइडलाइन या दिशा निर्देश जारी किया है कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है जो ड्रोन तकनीक है इसको आप सस्ती बनाइए ठीक है ना ताकि जो कृषि क्षेत्र के अंदर काम करने वाले जो हितधारकों हैं उनके लिए आसानी से मिल सके और इसका जो उपयोग है करके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहैंस किया जा सके द गाइडलाइंस ऑफ सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन जो स्कीम शुरुआत की गई उसका नाम क्या है एस एम ए एम सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ड्रोन और रुपीज टेन लैक्स विच एवर इज लेस एज ग्रांट फॉर परचेज ऑफ द ड्रोन बाय द फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट तो अभी आपको ध्यान रखना है जो कृषि मशीनीकरण है जिसको हम बात कर रहे हैं प्रिजन फार्मिंग की उसके ऊपर एक उपमिशन के दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा इसमें कहा गया है जो कृषि के अंदर उपयोग होने वाली ड्रोन है इसकी लागत का सौ प्रतिशत या दस लाख रुपए तक की राशि जो भी कम होगा वो दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा उन सभी कृषि फार्मों को या एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स को जो कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रिसीजन फार्मिंग को आगे बढ़ाएंगे इसके लिए कहा गया है कि जितने भी प्रशिक्षण संस्थान हैं जितने भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के संस्थान हैं जितने भी भारत में कृषि विज्ञान केंद्र हैं और जितने भी राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालय हैं जो भी इस ड्रोन को खरीदना चाहते हैं और इस ड्रोन को खरीद करके ये जो प्रिसीजन फार्मिंग की चर्चा की जा रही है उस पर वर्क करना चाहते हैं उनके लिए भारत सरकार के द्वारा या तो सौ, सौ प्रतिशत या हम कह सकते हैं कि दस लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी ठीक है ना ताकि इस ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके और भारत का जो कृषि क्षेत्र है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को तो ये जो गाइडलाइन uh, जारी किया है किसके लिए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इसके रूल्स को अमेंड करते हुए जो uh, कृषि मंत्रालय है उसने साफ साफ कहा है कि जितने भी uh, कृषि अनुसंधान केंद्र हैं कृषि विज्ञान केंद्र हैं जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं या रिसर्च सेंटर है जहां भी इस ड्रोन का उपयोग किया जाएगा आ, हमारे देश के एग्रीकल्चर फील्ड्स के ऊपर उनको ये ड्रोन एफोर्डेबल प्राइस के साथ अवेलेबल कराने के लिए उस ड्रोन का जो सत प्रतिशत योगदान है जो हंड्रेड परसेंट उसका जो सैंक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी ठीक है ना और ताकि हम इस टेक्नोलॉजी को वाइडली यूज करके और एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकें एनहैंस कर सकें जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है एफ हैं वो एलिजिबल होंगे टू रिसीव ग्रांट अप टू सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ड्रोन फॉर इट्स डेमोस्ट्रेशन ऑन द फार्मर्स बिल वहीं पे इस संशोधन में एक बात कही कही गई है कि जो किसान उत्पादक संगठन है जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है एफपीओ जो है उनके किसानों को खेतों पर इस ड्रोन तकनीक के प्रदर्शन के लिए पचहत्तर प्रतिशत तक का अनुदान प्राप्त हो पाएगा और छह हजार रुपए प्रति हेक्टेयर इस टू तो बी प्रोवाइडेड एजेंसीज डेट हायर ड्रोन फॉर डेमोस्ट्रेशन डो नॉट बाई तकनीक का उपयोग करके करना चाहती है। उनको के हजार का दिया जाएगा इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को क्या करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो आप ये कह सकते हो कि प्रोसीजन फार्मिंग या टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाना है और उस ड्रोन टेक्नोलॉजी के यूसेस को प्रमोट करने के लिए पहले एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हैं रिसर्च सेंटर्स हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आप सिंपल ध्यान रखना एक फाइनेंशियल uh, असिस्टेंस दी जाएगी उस ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने के लिए ताकि उसका को यूज करके उसको एक्सपेरिमेंट करके और इसके क्या बेनिफिट्स हम ले सकते हैं उसको किसानों तक लेकर के जाएं आई बात समझ में इसको ध्यान रखना है चलिए अगला समाचार लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस से अब इसकी चर्चा करते हैं हम लोग जो विश्व बैंक है उन्होंने अप्रूव किया है एक हजार करोड़ रुपए के का लोन टू तो हेल्प द पीपल गेट बंगाल गवर्नमेंट सर्विसेज टू तो हेल्प द पीपल गेट बंगाल गवर्नमेंट सर्विसेज आपको पता है कि बंगाल की सरकार ने इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले जो वहां की स्टेट असेंबली इलेक्शन थे उसमें वादों की झड़ियां लगा दी थी बंगाल के लोगों के लिए अब बंगाल सरकार जो है वो इतने ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च कर चुकी है और उसके अकॉर्डिंग उनके पास आप कह सकते हो कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है बहुत कम है तो आखिर उन वायदों को उन स्कीम्स को आखिर लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए तो उसको ध्यान में रखते हुए जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उन्होंने एक हजार करोड़ का कर्जा लिया है किससे तो आप बताओगे विश्व बैंक से जो कितने के बराबर है 125 मिलियन डॉलर के ठीक है ना और ये जो लोन दिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा फॉर द सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द सोशल प्रोटेक्शन और ऋण जो है मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो विकास परियोजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने के दिया जा रहा है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है प्रोसेस ऑफ प्लेइंग पेइंग अलायसेज अंडर सेवरल सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और ये जो संकट है बंगाल सरकार के ऊपर ये इसलिए आई है कि जो राज्य सरकार है बंगाल की वो वित्तीय बोझ के के तले दबी हुई है खासकर इस कारण से क्योंकि उनके द्वारा चलाई गई बहुत सारी जो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं उसके तहत बंगाल के लोगों को बहुत सारे कैश पेमेंट करने पड़ते हैं बहुत सारे आप कह सकते हो वित्तीय भुगतान करना पड़ता है और उस वित्तीय भुगतान के लिए सरकार के पास उतनी रेवेन्यू नहीं है जिस कारण से आपको ध्यान रखना है एक हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है पश्चिम बंगाल सरकार ने विश्व बैंक से ठीक है ना और इस इस लोन का जो उपयोग है डिजिटल इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन हम ये कह सकते हैं जो वित्तीय समावेशी है और जो डिजिटल पेमेंट है तो उसको प्रमोट करने के लिए इस पैसे को खर्च करेगी बंगाल की सरकार ठीक है ना जो सरकारी योजनाएं के अंतर्गत दिया जाने वाला वित्तीय सहायता है जो हम कह सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसमें इस पैसे को यूज किया जाएगा ठीक है ना जो लोग डिसेबल्ड पीपल हैं उनको कहीं ना कहीं पेंशन दी जाएगी इस पैसों से ठीक है ना और साथ ही साथ जो गरीब तबके के लोग हैं जो गरीब रेखा से नीचे रहते हैं उनको उनके स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ देने के लिए इस पैसे का व्यापक तरीके से उपयोग किया जाएगा ठीक है ना इसको ध्यान रखना है एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज टू यूज द लोन अमाउंट इन द वेस्ट बंगाल बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी

आर यू ऑल द देशन फॉर टुडे कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या न्यूज किया है एक तो नेटो फोर्सेज ने अपने सिप्स और जेट प्लेन्स को भेजा है यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर यूरोप के ईस्टर्न बॉर्डर पे यूक्रेन की सुरक्षा के लिए चाइना बार बार ताइवान को धमकी दे रहा है अपने एयरफोर्स के विमानों को भेज करके तीसरा न्यूज हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि जो बरकिना फासो है वहां पे तख्ता पलट किया गया है काब्रो सरकार की ठीक है ना चौथी न्यूज हम लोगों ने आज यहाँ पे की है एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए ठीक है ना तो हम लोगों ने इन सब चीजों को डिस्कस किया है आपको पता है कि आर्टिकल थ्री यू ऑल बी नोइंगल थ्री कितने लोगों को पता है आर्टिकल थ्री के बारे में जो आर्टिकल थ्री हमारा है दैट इज वॉट राइट टू वोट आपको पता होना चाहिए अच्छे से आर्टिकल 326 जो हमारा है वो राइट टू वोट है और राइट टू वोट हमारा क्या है तो आप बताओगे? ये हमारा मौलिक अधिकार तो नहीं है लेकिन ये हमारा कानूनी को पूरे देश में हैं, हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस ठीक है ना इसका थीम रखा गया इस बार का मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र है वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बट मेनी ऑफ अस डोंट एक्सरसाइज आवर डेमोक्रेटिक राइट एंड ओनली बिकॉज ऑफ द द वन फैक्टर कि डे ऑफ वोटिंग जो हमारा वोटिंग का दिन होता है उसको जो मैक्सिमम इलीड क्लास के लोग हैं जो एडुकेटेड इंडियंस है जिनको खुद फॉर अ चेंज वोट डालना चाहिए अगर आप सरकार से खुश नहीं हो सरकार के पॉलिसी से खुश नहीं हो तो वो इस दिन को एज अ हॉलीडे प्लान करके बाहर चले जाते हैं और फिर फाइव स्टार होटल में बैठ करके दो पैक के साथ किसी भी क्लब में अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करते हुए ये कहते हैं कि सरकार सरकार बे, बेकार काम कर रही है सरकार है बेवकूफ इसको रहने का कोई हक नहीं है अरे यार जब तुम्हारे पास अधिकार था वोट डालने का तब तो तुम कहीं और मजे ले रहे थे तुम माहौल बना रहे थे अब जब देश के माहौल को बदलने का समय आया तो तुम अपने माहौल बदल रहे हो लेकिन देश का माहौल नहीं बदल रहे हो क्योंकि आप अपने राइट टू वोट का सही से उपयोग नहीं करते और आप लोगों को अगर हम और आप पढ़े लिखे हैं तो हमें प्रेरित करना चाहिए शिक्षित करना चाहिए समाज के हर व्यक्ति को कि वोट का क्या वैल्यू है वोट की क्या है इस देश के लिए हमारे लिए हमारे समाज के लिए लेकिन आप इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि जो नेशनल वोटर डे है वो चुनाव आयोग का एक बहुत ही अनूठा पहल है जिसमें इस बार का थीम बहुत अच्छा रखा है उन्होंने मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव हमें चुनाव को जो है वो क्या बनाना है समावेशी बनाना यानी कि जिन लोगों को समझ नहीं है वोटिंग की जिन लोगों को समझ नहीं है कि वोट का महत्व तो क्या है उनको शिक्षित करना इसकी सुगमता इसकी सुगमता को पहुंचाना और लोगों को पार्टिसिपेटिव बनाना हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर तो ये तभी संभव है वेन बी एडुकेट दीपल लेकिन दिक्कत ये है ना अगर आप देखो तो जो ग्रास रूट लेवल हमारा है जो पंचायत का स्तर है वहां पे जो लोग चिन्ह करके आते हैं प्रतिनिधि के रूप में रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते ठीक है ना उनका लिटरेसी लेवल इतना हाई नहीं होता और गांव में वैसे भी आपको पता है कि विलेजेस के अंदर लिटरेसी का परसेंटेज बहुत कम है तो जब तक हमारा प्रतिनिधि हमारा रिप्रेजेंटेटिव ही अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिनको वो गवर्न कर रहे हैं जिनके ऊपर वो शासन कर रहे हैं जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको वो शिक्षित कर पाएंगे भारत सरकार बहुत प्रयास करती है एडवर्टीजमेंट के थ्रू वीडियोस के थ्रू ठीक है ना सोशल कैंपेन के थ्रू कि हम लोगों को शिक्षित करें लेकिन जिनको शिक्षित करने का अधिकार दिया गया है वो खुद पढ़े लिखे नहीं है तो ये भी एक जरूरी है कि हमें अपने डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने की भी जरूरत है जहां पे हम लोग एक क्राइटेरिया फिक्स करें एक एलिजिबिलिटी को भी फिक्स करें किसके लिए जो लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं इंडिया में पंचायत से लेकर के और संसद तक ये जब तक हम ये नहीं करेंगे ना तब तक देश का जो भविष्य है वो सुधरेगा नहीं इस बात को मैं हमेशा मानता हूं और आप लोग भी इस बात पे सहमत होइए क्योंकि आप 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 इस इस देश देश के 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 युवा हैं और ही पास ये जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में भविष्य को क्या करोगे बदल सकते हो क्योंकि ये समझ आपके अंदर जब होगी तभी आप अपने आने वाले जनरेशन को भी इसके बारे में शिक्षित करोगे ठीक है ना अब ये जो नेशनल वोटर्स डे है इसको हम पच्चीस जनवरी को हर साल मनाते आ रहे हैं ऑब्जर्व करते आ रहे हैं सिंस 2011, 2011 से ठीक है ना पूरे कंट्री के अंतर्गत ठीक है ना और आपको बता दू मैं कि बेसिकली ये जो नेशनल वोटर्स डे है ये फाउंडेशन डे हमारे इलेक्शन कमीशन किसमें आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर में, में, में यानी कि इलेक्शन तो कमीशन के फाउंडेशन डे के रूप में हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे को कब से दो हजार ग्यारह से ठीक है ना और जो मेन पर्पस है जो मेन उद्देश्य है इस नेशनल वोटर्स डे का वो केवल ये है कि हमें एनकरेज करना है यानी कि हमें लोगों को प्रोत्साहित करनी है लोगों को सुविधा प्रदान करना है और अधिक से अधिक लोगों को ठीक है ना जो खासकर यंग वोटर्स हैं उनको हमें जोड़ना है वोटर लिस्ट में ताकि वो अपने पावर का अपनी शक्ति का क्या कर सकें उपयोग कर सकें इस देश की सत्ता को सही हाथों में देने का काम कर सके ठीक है ना आपको बता दूं मैं कि ये जब भी जब भी नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है तो उस दिन हम लोग बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के लिए अवार्ड देते हैं स्टेट को डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को ठीक है ना उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस के लिए जो उन्होंने परफॉर्म किया है इलेक्शंस को कंडक्ट करने के समय में ठीक है ना इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी मैनेजमेंट इलेक्शन मैनेजमेंट आईटी इनिशिएटिव एक्सेसिव इलेक्शन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ वोटर अवेयरनेस एंड आउटरीच यानी कि हर वो व्यक्ति जो लोगों को जागरूक करने से लेकर के और जो इलेक्शन पोल डालने वक्त जो इलेक्शंस के जो पोलिंग बूथ्स होती हैं वहां पे जो ऑफिसर्स तैनात किए जाते हैं उन सब के किए गए कार्य के लिए उनको सराहने के लिए हर साल नेशनल वोटर्स डे के दिन आप समझ सकते हो कि भारत सर जो चुनाव आयोग है वो क्या करती है इनको सम्मानित करती है और ये होना भी चाहिए क्लियर है सब चीजें ठीक है ना क्या पूछ रहे हो आप लोग सर यूपी में हर जगह होता है होते हैं क्या लेखपाल जैसे लखनऊ नोएडा हाँ लेखपाल तो सब जगह होंगे लेखपाल का काम ही यही खासकर जो रूरल परिवेश है ध्यान रखना है जो ग्रामीण परिवेश है वहां पे लेखपाल का रोल ज्यादा है ये ध्यान रखना है तो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है एक पोर्टल जिसका नाम है कोयला दर्पण ठीक है ना आज के बन लाइन से पहले देखना है हमें कोयला दर्पण तो कोयला दर्पण एक पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा फॉर शेयरिंग द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रेट द कोल सेक्टर यानी कि जो कोयला क्षेत्र से संबंधित जो प्रमुख प्रदर्शनी संकेत हैं उनको साझा करने के लिए सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है कोयला दर्कन नाम का एक एप्लीकेशन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है द कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई टीव रिसेंटली लॉन्च द योग्यता मोबाइल एप्लीकेशन एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एप्लीकेशन इज टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट ऑपरच्युनिटी टू द यूथ इन द रूरल एरियाज तो आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय है इसके तहत संचालित जो कॉमन सर्विस सेंटर है उसने हाल ही में एक योगिता मोबाइल एप एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो रूरल एरियाज हैं उसमें जो यूथ रहते हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको एक अवसर प्रदान करना इसको आपको ध्यान रखना है आई बात समझ में चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आज आज का यह है शफाली वर्मा ज रिगेन द नंबर वन स्पॉट इन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टी ट्वेंटी प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई है शफाली बर्मा ठीक है ना बर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के बेट मुनी को पीछे धकेला है और इंडिया की जो स्मृति मनधाना है वो नंबर चार पे चली गई है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है ना और वैसे आपको बता दू मैं कि सेफाली बर्माने नंबर पोजीशन हासिल की है आईसीसी वेमेन्स क्रिकेट रैंकिंग में, में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा हर साल मनाया जाता है कब तब बताओगे पच्चीस जनवरी को सो so ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी को हम दो महत्वपूर्ण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है नेशनल टूरिज्म डे के रूप में ठीक है ना चलिए अब जबकि अमर जवान ज्योति जो कि एक शाश्वत ज्योति थी जो कि एटर्नल फ्लेम थी इसको शिफ्ट कर दिया गया नेशनल वॉर मेमोरियल में और उसकी ज्योति के साथ इसका विलय हो गया भारत सरकार ने एक और भी बड़ा अहम फैसला लिया है और जो आ, रिट्रीटिंग परेड होती है उसमें एक धुन बसता था अबाइड विथ मी ठीक है ना इस धुन को उस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का जो कंक्लूजिंग पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रिट्रीट सेरेमनी उससे बाहर कर दिया गया है और इसको लेकर के भी जो है वो बवाल होगा इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो रिट्रीटिंग परेड होती है रिपब्लिक और ये क्या होता है इसमें होता क्या है कि जो शाम के वक्त में जो राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रपति फहराते हैं उसको शाम के वक्त में हाफ वे डाउन करके सम्मान के साथ उसको उतारा जाता है और उसके लिए एक धुन बजती है जिसको रिट्रीटिंग धुन कहते हैं ठीक है ना तो उस धुन में सारे जहां से अच्छा जो इकबाल साहब का लिखा गया है वो धुन बजती है और उसके बाद इसमें अबाइड विथ मी ये धुन जो है इसको बजाया जाता था अब इस धुन को उस रिट्रीटिंग आप कह सकते हो सेरेमनी से क्या कर दिया गया है तो आपको ध्यान रखना है बाहर निकाल दिया गया है मैं बता दूं कि जो महात्मा गांधी है उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी जो साबरमती आश्रम थी उसमें जब भी कोई प्रार्थना सभा होती थी उस प्रार्थना सभा में प्रत्येक दिन जो अबाइड विथ मी ये जो सॉन्ग है ये उनका पर्सनल फेवरेट सॉन्ग था और इसको कंपाइल किया गया था कंपोज किया गया था किसके द्वारा तो आपको ध्यान रखना है ये जो अबाइड विथ मी सॉन्ग है इसको लिखा गया था किसके द्वारा तो आपको ध्यान रखना है हेनरी फ्रांसिस एक सेकेंड मैं इसको लिख रहा हूं हेनरी फ्रांसिस लिटे के द्वारा ठीक है ना हेनरी फ्रांसिस द्वारा जो कि एक स्कॉटिश थे ये स्कॉटलैंड से थे और ये एक बहुत बड़े कंपोजर थे इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं आ, और उसमें से उनका एक सबसे बड़ा जो क्रिएशन था वो था अवॉइड मी तो इस सॉन्ग को इस ट्यून को अब इस सेरेमनी से क्या कर दिया गया बाहर निकाल गया और इसकी जगह पे आपको ध्यान रखना है एक नए सॉन्ग को लाया गया है और वो नया सॉन्ग कौन सा है तो आपको ध्यान रखना है ए मेरे बतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी ठीक है ना ये आपको ध्यान रखना है तो अवॉइड विथ मी को रिप्लेस किया गया है किसके द्वारा तो आप बताओगे ए, मेरे बतन के लोगों के द्वारा इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आई बात समझ में और ये जो ए मेरे बतन के लोगों है इसको जो रिप्लेस किया गया है वो लिखा गया है कवि प्रदीप के द्वारा ठीक है ना जो प्रदीप नाम के कवि थे उनके द्वारा लिखा गया ए मेरे बतन के लोगों जो है उनको रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ तो अबाइड मी के साथ एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो बच्चों सेवेंटी रिपब्लिक डे के अवसर पर एग्जाम्पुल आपको फोर्टी फाइव परसेंट फ्लैट ऑफ दे रहा है सभी पेड कोर्सेज पे जिसके लिए आप भारत फोर्टी फाइव कोड को यूज करके तीस जनवरी तक सभी कोर्सेज पे फोर्टी फाइव परसेंट डिस्काउंट अवेल कर सकते हो और आप ज्वाइन कर सकते हो सी डी एस वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू के नाइन डे मास्टर कोर्स और ओटीए वन ट्वेंटी ट्वेंटी और ये आपका यूट्यूब स्केड्यूल है जिसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है और इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए सभी दिन प्रत्येक दिन मंडे टू सैटरडे करंट अफेयर्स के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को एक बार पुनः फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल डियर स्टूडेंट्स मेरे सभी देशवासियों को आज इस गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मुलाकात होगी कल सुबह आठ बजे आपसे दोबारा बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए बाय टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे थैंक यू सो मच गाइस लव यू ऑल बाय एंड टेक केयर